मिडल मैन के एक्स्ट्रा पैसा गवाए हम लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हमें पहले parivahan.government.in को ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे हमें क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, उसमें हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा स्टेट तो महाराष्ट्र है, तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है हमें स्क्रॉल डाउन करके, फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए क्लिक, उस पर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के पहले हमको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। फिर कंटिन्यू करेंगे हम। फिर इसमें से हमें कोई भी ऑप्शन है ना सेलेक्ट नहीं करना होगा, डायरेक्ट सबमिट करना होगा। अब बिना लर्निंग लाइसेंस के दोस्तों हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, मैं अगेन बोल रहा हूँ आप लोगों को। फिर इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, तो हमें डायरेक्ट पिन कोड पे जाना है और हमारे एरिया का पिन कोड डालना है, तो स्टेट और आरटीओ ऑफिस ऑटोमेटिकली जो भी हमारे एरिया में रहेगी ना मैप, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अभी देखिए दोस्तों कैसा हो गया, महाराष्ट्र आरटीओ ईस्ट मुंबई। अब नेम ऑफ द एप्लीकेंट में दोस्तों हमारा फर्स्ट नेम के कॉलम में हम अपना नाम लिखेंगे और लास्ट नेम में हम अपना सरनेम लिखेंगे। दोस्तों देखिए, चलो दोस्तों मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ, लास्ट नेम। रिलेशन में फादर सेलेक्ट कीजिए और फादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख दीजिए अपना। फिर जेंडर में मेल सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप मेल फीमेल जो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दीजिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में जो भी आपका आप लिख सकते हो। फिर क्वालिफिकेशन मांगेगा, ब्लड ग्रुप तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्वालिफिकेशन मांगेगा बराबर। फिर यहाँ आपका मोबाइल नंबर की कॉलम में मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप अपना जो भी आपका नंबर है एक्सपायर्ड वो लिख दीजिए। देन यहाँ पे आपका एड्रेस मांगेगा, तो मैं अपना तहसील क्लिक किया, फिर जो भी अपना एड्रेस एक्सपायर्ड वो भर दिया। अभी परमानेंट एड्रेस मांगे, जहाँ अगर आप रहते हो परमानेंट है तो परमानेंट लिख दीजिए, नहीं तो जो भी आपका होम टाउन है आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये मैंने सब सबमिट कर दिया, अभी स्क्रॉल डाउन कीजिए कर रहा हूँ उसको। फिर मुझे फ़िलहाल MCWG का बनाना है, तो मैं फ़िलहाल वही सेलेक्ट करूँगा। आपको कुछ एडिशनल डालना तो डाल सकते हैं, LMV वगैरह, लाइट मोटर व्हीकल। ओके दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके अपना डेटा कंफर्मेशन करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद भी आपको देखो दिखाएगा, तो मैं कंफर्म करके ओके करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आर यू श्योर? यस श्योर, ओके। फिर इस ये एक्नॉलेजमेंट का दोस्तों आपको प्रिंट निकालना है, अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो सेव करके रख लीजिए आपके डेस्कटॉप, बाद में RTO में ये फॉर्म भी लगेगा। टोटल 3 से 4 फॉर्म लगता है, मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो में कौन से फॉर्म का प्रिंटआउट निकालना है। मैं सेव कर लिया, अब नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मांगे, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको प्रोसीड कर लूँ। ये मैंने किया प्रोसीड, फिर इसको ओके कर लीजिए कंफर्म करके। फिर डॉक्यूमेंट्स का देखिए दोस्तों ऑप्शन आ, एज प्रूफ में आपका पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने देखिए चूज फाइल में जाइए, डाउनलोड पे, प्रोजेक्ट
मैंने मैंने तो जिस पे सेव किया मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसे अपलोड करेंगे ना दोस्तों उसके बाद एक कन्फर्मेशन आएगा। देखिए नीचे आया कन्फर्मेशन, नहीं तो आप वीव करके भी देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। देखिए मेरा ये अपलोड हो गया। अब एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, LIC वगैरह कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। मैं तो आधार कार्ड करूँगा क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है। अब फॉर्म वन वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, फॉर्म वन क्या है। देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब मुझे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, लेकिन पहले मैं प्रिंट फॉर्म कर लेता हूँ। इसी में अपने को दोस्तों फॉर्म वन मिलेगा, इसमें के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पेज के प्रिंट आउट निकालना, बाकी कोई भी पेज के नहीं। उसमें थर्ड वाला पेज उसमें हमें अपलोड करना है सिग्नेचर करके। अभी मैं जा रहा हूँ फीस भरने के लिए। देखिए दोस्तों 201 मतलब 201 रुपीस गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है लर्निंग लाइसेंस के। फिर मैं फीस भर भर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको ये इस तरह का ऑप्शन आएगा स्लॉट बुकिंग। तो जो भी आपको स्लॉट को बुकिंग करके इसका एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल के आप RTO विजिट कर लीजिए। और मेरा वीडियो कैसे लगा दोस्तों ये आप मुझे बता दीजिए। और ये रहा फॉर्म